सो मेरे साथ मेरी सिस्टर, मेरे भैया भाभी आए हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं आ पाए। सो फॉर देम मैं 2 लाइन्स बोलना चाहूँगी। तुझे पाकर खुदा ने पूरी कर दी हर मन्नत, गलत नहीं का करते लोग, माँ के पैरों में होती है जन्नत। एंड फॉर माई फादर, देन फॉर माई फादर, वो तेरे लिए गली गली फिरता है, वो तेरे लिए क्या कुछ नहीं करता, वो तेरा पिता है। सो थैंक यू सो मच। ओके, नाउ मैं अपनी पोएम स्टार्ट करती हूँ। ये पोएम मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये एक्चुअली मेरे घर में एक बरगद का छोटा सा पेड़ है, वो बॉन्जाई है पर बहुत ही प्यारा है। मम्मी उसकी पूजा करती हैं जब उसकी कुछ पूजा होती है, मुझे पता नहीं है, बट वो बचपन से घर में है मेरे साथ, तो मुझे वो बहुत प्यारा लगता है। तो उसी के लिए पोएम है ये। और कविता का टाइटल है बरगू की सखी, एक बरगद की आत्मकथा। तो ध्यान से सुनिएगा। उसने मुझे बचपन से पाला, मेरी माँ जैसी ही है वो। पौधा था जब यहाँ आया, वो स्वयं बहुत बड़ी ना थी, परंतु प्रेम बहुत करती थी, बरगू बरगू पुकारा करती थी। जिस दिन वो ब्याह कर चली गई थी ना, बहुत रोया था मैं, ब्याह का मतलब तक ना जानता था। सोचता था कि पता नहीं क्या बला है ये ब्याह जो दोस्तों को यूं दूर कर दिया करती है। अभी ही तो पेड़ बना था, सब कहाँ जानता था। बस इतना मालूम था कि अब शाम को मेरे पत्तों पर प्यार से हाथ फहराने कोई ना आएगा, कोई मुझसे आकर दिन भर की बातें घंटों घंटों बैठकर ना करेगा। खूब रोया मैं, मेरी प्रियतम थी वो। सखी के ब्याह हुए अब 2 साल हो गए हैं। मेरा तना और चौड़ा और मजबूत होने लगा है, मैं पेड़ बन चुका हूँ, एक बड़ा पेड़। मिलने आती है वो कभी कभार, पर अब वो पहले जैसी बात कहाँ। लोग कहते हैं शादी के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। कल माली आया था, कुछ शाखाएं काटने की बात कर रहा था, कहीं तार में कुछ दिक्कत, कोई बेफिजूल इंसानी बातें। वो भी सर पर हाथ फेरता है, पर उसमें ना वो स्नेह है ना वो कोमलता। सखी होती तो प्रेम से रखती। कल माली ने मेरी 4 शाखाएं काट दी, मैं बहुत चिल्लाया, रोया भी, माफ़ी भी मांगी, परंतु वो ना माना। मेरे नन्हे नए पत्ते भी उसी में सिमट गए। सखी होती तो ऐसा ना होने देती। वो आएगी ना तो खूब शिकायत करूँगा उससे कि देख तेरे ना होने पर क्या किया तेरे बरगू के साथ इन्होंने। आज सखी आएगी, मुझे कैसे पता, सभी घर सजा रहे हैं, मुझे भी सजाया गया है कोई झालर से, ना जाने अब ये क्या बला है। मगर मैं भी सखी के लिए तैयार हूँ, पत्ते सेट कर कर एकदम हरा भरा। सखी आ गई और उसके साथ, अरे ये कौन है। नन्हे पाँव नन्हे हाथ मेरे पत्तों को सहला रहे हैं। ऐसा आनंद बड़े समय बाद एहसास हुआ है। सखी के नए पत्ते हैं ये, उसने मुझे खुद बताया हंसते हुए। आज मैं अकेला नहीं हूँ, बड़े समय बाद सखी है तो मैं कभी अकेला नहीं हो सकता। आज सखी की पुत्री का ब्याह है, बहुत व्यस्तता है घर में। अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो समझता हूँ सब, मगर सखी मेरा ब्याह कब करेगी। मैं पूछूंगा उससे कि क्या सबके चक्कर में अपनी प्रिय बरगू को ही भूल गई, या शायद वो मुझे विदा ही नहीं करना चाहती। बहुत प्यारी है मेरी सखी, भावुक है पगली। सखी का 59वां जन्मदिन है आज, और मैं अब एक समझदार बरगद का पेड़ बन चुका हूँ। अभी भी इंसानी दुनिया उतनी समझ ना आती है, पर ठीक है, अब थोड़ा धीमे चलने लगी है मेरी सखी। मोटे मोटे चश्मा लगाकर मुझे देखती है और अपने नातियों को मेरी कहानी बताती है। कह रही थी अब जल्दी जल्दी मिलने आया करूँगी, अब फुर्सत है। अब सोचता हूँ कैसे उसके ब्याह पर पौधों की तरह रोया था मैं। पतझड़ का मौसम आया है, मेरे पत्ते झड़ रहे हैं, मुझे ये मौसम बिल्कुल नहीं भाता। मैं अकेला हो जाता हूँ ना। सखी को आए हुए बहुत दिन हो गए, अगली बार आएगी ना तो खूब डांटूंगा। कल कुछ अजीब लोग घर को देखने आए थे, मुझे वे अच्छे ना लगे। सखी होती तो वो भी यही कहती। आज फिर कुछ लोग आए हैं। अरे ये क्या, ये मेरा तना क्यों काट रहे हैं? सखी सखी सखी, मैं खूब चिल्लाया, मैंने खूब पुकारा, तेरे प्रिय बरगू को ये लोग काट दे रहे हैं, कहाँ है तू? वो ना आई, किसी ने ना सुना। सुनने में आ रहा है कल मुझे काटकर फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मेरी सखी, सखी अब ना रही। उसके जाते ही उसके बच्चों ने हमारा घर, सखी और मेरा घर बेच डाला। मैं आज ना मरूंगा, मैं तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन मेरी सखी चली गई। बरगू उस दिन ही खत्म हो गया था। बस बस एक चीज़ है जो मुझे बांधे हुए है कि सखी होती तो ऐसा ना होता।